प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया है। उन्होंने कहा कि दरअसल राहुल गांधी विघटनकारी तत्वों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ यात्रा में कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर जैसे लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यह लोग जेएनयू में लगे भारत विरोधी नारों के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से मशहूर हुए थे। ग्वालियर में खबर अफसरों से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री भदौरिया ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, उससे उन्हें यह भारत तोड़ो यात्रा ज्यादा नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, कितना ही दुष्प्रचार करे, अगले साल होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसे एक बार फिर अक्टूबर 2020 में हुए उपचुनाव के नतीजों से रूबरू होना पड़ेगा। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई थी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं है। उन्होंने इस यात्रा को निरर्थक और तथ्यहीन बताया है। यात्रा को किस तरह से देखते हैं? उज्जैन में अभी चल रही है, दावा है कि जो है 2018 की तरह वापस कामयाबी मिलेगी कांग्रेस, 23 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानतें जब्त हो जाएंगी बीजेपी के लोगों की। राहुल गांधी की यात्रा पिछले 2 दिन से हम देखें तो देश जोड़ने की नहीं, देश तोड़ने की यात्रा हो गई है। जितने भी विघटनकारी लोग हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, वो लोग राहुल गांधी की यात्रा में राहुल गांधी के बगल से कंधा मिला करके चल रहे हैं। चाहे वो श्रद्धा भास्कर हों, चाहे वो कन्हैया कुमार हों, चाहे वो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले लोग हों, तो इस यात्रा पे ये सवाल उठ के खड़ा होता है कि ये देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं या विघटनकारी ताकतों को इकट्ठा करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से निरर्थक है। मध्य प्रदेश की जनता पे, मध्य प्रदेश की किसी भी वर्ग पे कोई असर नहीं है। जिस तरह